नमस्कार फ्रेंड्स, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में जो हर साल क्वेश्चन आपके सात सेट होते हैं, सातों सेट में से किसी न किसी सेट में जरूर पूछे जाते हैं, श्योर पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या होता है, संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में पूछे जाते हैं, कैनी जारो अभिक्रिया। ठीक है फ्रेंड्स, क्या पूछे जाते हैं, देखिए कैनी जारो अभिक्रिया। आज हम इसमें आपको बताने वाले हैं कि कैनी जारो अभिक्रिया क्या होती है, कहते किसे हैं और इसके समीकरण क्या होते हैं, दोनों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, जारो अभिक्रिया होती है, पहले तो कहते किसे हैं ये मैंने आपको बता देना है। तो जो आप ये जो कैनी जारो अभिक्रिया होती है, ये आपकी एल्डिहाइड रिलेशन से स्टार्ट होती है। और एल्डिहाइड को जो हम लोग दुई एल्डिहाइड को जब हम लोग क्षार के साथ और सोडियम के क्षार, वो भी 50% आपके रहने चाहिए सोडियम के क्षार यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, और आपका 50% होना चाहिए फॉर्मल्डिहाइड, तब जा करके हम लोग जब क्रिया कराते हैं उसमें जो प्राप्त यौगिक होते हैं आपके क्या कहलाते हैं, कैनी जारो अभिक्रिया। ठीक है फ्रेंड्स, क्या प्राप्त होता है, देखिए बिल्कुल मैं आसानी से आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले ले लिया जाएगा द्वि अणु, ले लिया जाएगा फॉर्मल्डिहाइड HCHO। ठीक है फ्रेंड्स, इसको चलिए दो ही अणु में कर दिए, तो मैंने दोनों अलग अलग लिख दे रहा हूं CHO। अब इसको किया जाएगा किसके साथ, ये करेंगे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ये जो होती है इसकी उपस्थिति फ्रेंड्स 50% होती है। क्या मिलेगा, मिलते हैं इनके फार्मेट, मिलते हैं फार्मेट। फार्मेट का सूत्र होता है सोडियम फार्मेट, CO हो गया और NA लिख दिया गया, और प्लस मिल जाएगा, प्लस जो होगा प्लस के रूप में क्या मिलेगा, प्लस मिल जाएगा CH3C यानी CH3OH एल्कोहल मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या मिलेगा, देखिए बिल्कुल आसानी से आपको समझना है। समझना ये है कि जब हम लोग फॉर्मल्डिहाइड को द्वि अणु, कितने अणु होंगे फॉर्मल्डिहाइड के, द्वि अणु होंगे, उसको जब हम लोग 50% कितना प्रतिशत है ये देखिए, 50% जब हम लोग लेंगे क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में जब हम लोग क्रिया कराते हैं तो जो यौगिक प्राप्त होता है उन सभी यौगिकों को या इस समीकरण को कहा जाता है कैनी जारो अभिक्रिया कही जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल आसानी से ये आपको समझना है, ये समीकरण लिख देना है और कहते किसे है ये लिख देना है कि जब हम लोग फॉर्मल्डिहाइड के द्वि अणु को 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो प्राप्त अभिक्रिया आपकी कैनी जारो अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये या तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन जो फॉर्मल्डिहाइड होते हैं वह नहीं होने चाहिए, उन लोगों के साथ जब हम लोग 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराएंगे क्षार के साथ तो जो समीकरण बनते हैं उस समीकरण को कहा जाता है कैनी जारो अभिक्रिया कही जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।